हमारी बहुत ही टेस्टी मूंगफली की मिठाई जो है वो बन करके तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है। जो भी खाएगा वो बहुत तारीफ करेगा, यकीन मानिए आप घर पे ज़रूर बनाइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निधि और आपका स्वागत है मेरे चैनल निधि के ब्लॉग में। आज मैं बना रही हूँ एक बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश। ये मिठाई आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाती है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने के लिए और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो बाहर मार्केट से ख़रीदने से बेटर है कि आप अपने घर पे ही ये मिठाई बना लीजिए। और वो मिठाई बनाने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ये मूँगफली के दाने। तो ये जो मिठाई हम बनाएंगे ये मूँगफली से बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है, बिल्कुल जैसे हम काजू की स्वीट्स अगर खाते हैं या नारियल की बर्फ़ी खाते हैं, तो उस तरीके से ही ये इसी तरीके से मूँगफली की ये मिठाई जो है बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मूंगफली के दाने। तो ये 50 ग्राम मूंगफली के दाने हैं, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी आपको मिठाइयाँ बनानी है उस हिसाब से। साथ में मैंने लिया है 40 ग्राम ये है शक्कर, तो ये आधा कटोरी शक्कर है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है थोड़ा सा नारियल का बुरादा। तो जितनी मैंने चीनी ली है उससे थोड़ा सा हमें कम ये नारियल का बुरादा लगेगा। साथ में हमें चाहिए ये मिल्क पाउडर, ये बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं 20 ग्राम मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा हमें चाहिए है घी, देसी घी। और साथ में अगर आपको कलरफुल मिठाई बनानी है तो आपको फूड कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ ये कलर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ऐसे भी मिठाई बना सकते हैं बिना कलर वाली। तो चलिए हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको मूँगफली को लो फ्लेम पर भूनना है। तो यहाँ पर मैंने गैस में पैन रख दिया है, मूंगफली डाल देते हैं। मूंगफली को आपको लो फ्लेम पे ही भूनना है ताकि मूंगफली जले ना और अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो देखिए मूंगफली जो है वो अच्छे से भुन गई है, इस तरीके से आपको दिखेगी जब ऊपर से छिलका छोड़ने लगेगी। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद इसके छिलके जो हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए मूंगफली से हमने छिलके निकाल लिए हैं, एक दो अगर छिलके रह भी जाएंगे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हमको इसको अब पीसना है, इसका पाउडर बनाना है। तो अभी हम इसको मिक्सर जार में डाल देते हैं। तो ये रोस्टेड मूंगफली का आपको एकदम बारीक पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मूंगफली को एकदम बारीक मैंने पीस लिया है, अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये मूंगफली की जो मिठाई है ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये मूंगफली जो है वो एकदम हमने पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मिल्क पाउडर लिया था, दूध पाउडर, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए मूंगफली और दूध पाउडर को। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ये नारियल का जो हमने बुरादा लिया था, तो ये मैं अभी डालूँगी। आधा बुरादा डालेंगे और आधा जो है वो मिठाई बनने के बाद हम यूज़ करेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है अपनी मिठाई का, अभी हमको चाशनी बनानी है। तो अभी हम चाशनी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये पैन रख दिया है, इसमें मैं डाल देती हूँ ये चीनी। और जितनी हमने चीनी ली है उतना ही हमको पानी डालना है। तो ये देखिए चाशनी जो है वो प्रिपेयर है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मिक्सचर में जैसे लिया था चाशनी के लिए चीनी, और मिठाई हम बना रहे हैं मूंगफली की, तो मूंगफली का बुरादा, नारियल का बुरादा, और हमने साथ में लिया था दूध पाउडर और थोड़ा सा कलर। बस इतनी ही चीज़ों से बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके हमारी घर में ही तैयार हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल बाहर जा कर के मिठाई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, घर में ये चीज़ें बिल्कुल हर घर में होती हैं, तो आप इजीली मिठाई बना सकते हैं। इवन अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो ये बिल्कुल कम समय में बन करके तैयार हो जाती है। तो आप इजीली ये मिठाई बना करके उनको खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी और वो आपसे पूछेंगे भी कि ये मिठाई कहाँ से ली है। तो आप चाहें तो अपना सीक्रेट बता भी सकते हैं, चाहें तो छुपा भी सकते हैं। तो ये देखिए मिठाई के लिए बेसिक मिश्रण जो है वो बिल्कुल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अभी हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक मिनट रूम टेम्परेचर में रखने के बाद में हम इसको इस पन्नी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमको इसको बिल्कुल, नहीं तो कड़क हो जाएगी आपकी मिठाई। पन्नी का सहारा इसलिए ले रहे हैं ताकि गर्म ना लगे हाथों को। तो ये मैंने बहुत ही अच्छे से इसको मसल लिया है। अब आप अपने हिसाब से इसको
मिठाई का शेप दे सकते हैं। तो अभी ये देखिए हमने इसको अच्छे से मसल लिया है और थोड़ा ये ठंडा भी हो गया और सॉफ्ट भी हो गया है। तो अभी हम अब जैसे आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, या तो कतली का शेप दे दीजिए, या फिर आप जैसे पेड़े बनाते हैं पेड़े का शेप, या फिर आप जैसे बर्फ़ी बनाते हैं वो शेप भी दे सकते हैं। बट मैं यहाँ इसको थोड़ा सा लड्डू स्टाइल में बनाऊँगी और इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेकर के गोल कर लीजिए। बहुत इजीली ये गोल हो जाएगा, ये देखिए। अब इसको ये जो हमारा नारियल का बुरादा हमने थोड़ा सा बचा के रखा था उसमें इस तरीके से लपेट दीजिए, देखिए इस तरह से। इससे मिठाई देखने में भी अच्छी लगती है और टेस्ट में तो अच्छी लगती ही है। तो ये मैंने इस तरीके से इसको रोल कर दिया है, इसको रख देते हैं एक प्लेट पे और इसी तरीके से मैं सारे जो हैं इस मिठाई को बना करके तैयार कर लूँगी। आप भी अपने घर पे बनाएं, ये मिठाई बहुत ही टेस्टी लगती है और मूँगफली तो आई गेस हर किसी के घर में ईजिली अवेलेबल होती होगी क्योंकि इतनी हेल्दी होती है तो हम सभी के घर में रखते ही हैं। तो बस ये मूँगफली और बस हमें चाहिए ये नारियल का बुरादा और दूध पाउडर, बस इन तीन चीज़ों से ये मिठाइयों को बना लीजिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको खाने में ये कैसी लगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।